गांधी नेहरू परिवार का सबसे विवादित चेहरा। एक वक्त था जब उसके नाम से कांपती थी भारतीय राजनीति। देश में आपातकाल और नसबंदी कार्यक्रम में उनकी भूमिका काफी विवादास्पद रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भाई संजय गांधी की। संजय गांधी भारतीय राजनीति के सबसे विवादित नेता रहे। संजय गांधी का जिक्र जब भी होता है तो आपातकाल और नसबंदी के अलावा उनके अपनी मां के साथ झगड़े और उनके रहस्यमय मौत का जिक्र जरूर आता है। हम यहाँ जिस बात का जिक्र करने जा रहे हैं उस घटना की, जब संजय गांधी ने अपनी माँ को एक डिनर पार्टी में थप्पड़ मारा था, वो भी उस वक्त जब वो देश की प्रधानमंत्री थी। यह घटना देश में आपातकाल लागू होने से ठीक पहले घटी थी, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को झकझोर कर रख दिया था। अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार लुइस एम सिमंस ने इस घटना के होने का दावा किया था। उनका दावा था कि संजय गांधी ने एक डिनर पार्टी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपनी मां इंदिरा गांधी को थप्पड़ मारा था। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार लुइस एम सिमंस देश में इमरजेंसी घोषित होने के दौरान वाशिंगटन पोस्ट के दिल्ली संवाददाता थे। लुइस का दावा है कि थप्पड़ मारने की यह घटना इमरजेंसी लागू होने से पहले एक निजी डिनर पार्टी में हुई थी। उनका कहना है कि उन्हें ये जानकारी किसी अनाम सूत्र ने बातचीत के दौरान दी थी। लुइस ने उस वक्त खबर को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन इसे बाद में इस्तेमाल किया। लुइस ने बाद में बैंकॉक से यह खबर लिखी। लुइस का कहना है कि आपातकाल के बाद उनकी इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने उनसे थप्पड़ वाली घटना के बारे में नहीं पूछा। लुइस ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं हिम्मत नहीं कर पाया। वरिष्ठ पत्रकार कुमी कपूर ने भी अपनी किताब इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखा है कि यह समाचार मौखिक संदेशों के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गया। बेशक सेंसरशिप के कारण किसी भी भारतीय समाचार पत्र ने साइमंस द्वारा निकाली गई खबर को प्रकाशित नहीं किया था, फिर भी देश में इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा था। वाशिंगटन पोस्ट के बाद यह समाचार अन्य कई विदेशी अखबारों में भी प्रकाशित हुआ। इसी संबंध में प्रतिष्ठित लेखक वेद मेहता का एक लेख भी न्यूयॉर्क मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। हालांकि कुमी कपूर का कहना है कि इस कहानी की सच्चाई संदिग्ध है, क्योंकि ना तो किसी सूत्र का नाम लिया गया था और ना ही किसी ने ये समाचार प्रकाशित होने के बाद सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की, जबकि वहीं साइमंस ने यह समाचार तैयार करने के लिए कभी भी खेद व्यक्त नहीं किया। दृष्टि झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।